ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के एनुअल कॉन्फ्रेंस में आए हुए कलकत्ता के एक पत्रकार ने इंकलाब जिंदाबाद नारे के बारे में बताया। हाँ, हम अरुप मैत्रो, हम कलकत्ता से आए हैं इधर, तो आपका चैनल को स्वागत करते हैं। इनकिलाब का जो ट्रिपिकल वर्ड है ना, ये इनकिलाब पहले भगत सिंह का बाड़ी में ही प्रचार हो रहा है, और भगत सिंह ये वर्ड इनकिलाब जिंदाबाद हर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जितना सारी पार्टी है इंडिया में, वो जो इनकिलाब का बात यूज़ करते हैं, ये भगत सिंह का पहले आना हुआ है इंडिया में। सुभाष चंद्र बोस वो भी आते हैं कमरेड, कमरेड कमरेड इस सुभाष आना है इंडिया में, सुभाष चंद्र बोस लाते हैं, लाई हुए हैं, और भगत सिंह लाए हुए हैं इनकिलाब। यह अच्छा आदमी, इंडियन आदमी को ये आई हैव टू असेम टू टेल यू दैट वेरी फ्रैंकली एंड फ्रीली दैट टिपिकल इंडियन पर्सन डजंट नो दैट सुभाष चंद्र बोस ब्रिंग्स आउट दैट टिपिकल वर्ड कॉमरेड and Bhagat Singh brings out the typical word is inquilab. Acha, aaj ke time bhi jo naksal hai ya maowad hai uske upar aapka kya vichar hai? Dekhiye, maowad maoism is totally different issue. Jaydeep Mukherjee All India Legal Aid Forum is working about that. Ki typical Indian people who are wretched condition are staying very right now very wretched condition. Those people didn't get so many food, at least minimum food, chawal, dawal, or roti, makan, नहीं मिलता है। और हम भी उधर थे न्यूज़ करने के लिए, जंगल महल में थे, तो उधर मैं एक एक्सपीरियंस हुआ यार कि 17 किलोमीटर्स हम पैदल जाना है तो कोई टी का शॉप नहीं है, पान बीड़ी का शॉप नहीं है, और खाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ इतना प्रेस्टीज में और इतना दिन में सारी लोग कैसे काम करेंगे भाई, पेट में ही तो ज़्यादा है, पेट में जला है। आप और मैं पेट नहीं थे तो क्या काम के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, खाने के लिए ही तो आदमी लोग सब जा रहा है ना। कहने मतलब कि उनके भी समस्याओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका निदान भी करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। एवं अभी भी सारी इंडियन पीपल, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पीपल शुड बी रियलाइज दैट व्हाट इज देयर कंडीशन। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता से आए हुए सजल जी से। सजल जी ने ममता बनर्जी के ऊपर एक दो कविताओं की रचना की है। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ममता बनर्जी से क्या सीखा है और क्या प्रेरणा मिली है जो इन्होंने उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं। ममता बनर्जी को सब अभी हमारा परिचय नहीं हुआ है जी। नंदीग्राम और सिंगूर का जो घटनाएं हुई थी ना, तो हम पेपर और टीवी का रेगुलर हम वॉच करते थे। एवं और ममता बनर्जी का जो कार्यक्रम वेस्ट बंगाल में चलता है, जो 2011 में परिवर्तन हुआ, उसका मैंने पहला बुक लिखा है पदध्वनि सुनी। हाँ, वो मैंने हरीश स्ट्रीट में जो ममता बनर्जी के घर में ये बोई मैंने प्रकाश किया था। और यही साल मैंने तुम ही सही में ये बोई हम लिखा है। तो ममता बनर्जी वो जो कार्यक्रम लोग ममता बनर्जी को जो जैसे पसंद करता है, और 34 बरस का वामफ्रंट जो गवर्नमेंट जैसा चलाया उसका ऊपर जनगण का कोई भरोसा नहीं था। ममता बनर्जी को लीडरशिप जैसा है उसका देख के ये परिवर्तन आया। तो मैंने ममता बनर्जी को ऊपर बहुत मेरा कॉन्फिडेंस था, और ममता बनर्जी जो जैसे वो कार्यक्रम चलता है उसका देख के मैंने ये बोले छुनु हबे तुम्हारी जॉय और तुम ही सही में, ये इसका ट्रांसलेट भी हुआ है। मेरा फ्रेंड अशोक मजुमदार वो ये पिक्चर को बनाया है, ट्रांसलेट भी वो किया है। और मैंने लीगल एड फोरम का एक मेंबर जयदीप मुखर्जी उसका जयदीप मुखर्जी ये बोई उद्घाटन किया है।
तो ममता बनर्जी इंडिया का सबसे बड़ा नेत्री है, ये मेरा चिंता में है, इसलिए ऐसा बुक लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम्स, दिल्ली।